हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एम रसोई में। आज हम बनाएंगे भंडारे वाली सब्जी, जो आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे, जो बिना लहसुन बिना प्याज के सब्जी बनाएंगे। देखिए कितना बढ़िया अच्छा टेक्सचर आया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। जो सब्जी बनाएंगे, जो मंदिरों में सब्जी बनती है भंडारे वगैरह में, देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्जी। भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने जो दो आलूओं को ले लिया है, हमने नौ बाल लिया है और छिलकियों को अलग कर लिया है इनको। और हमने लिया है जो चार टमाटर, इन टमाटरों को हम काट लेंगे। और हमें टमाटरों को काट के मिक्सी से हम पीस लेंगे। हमें इनका मिक्सी से हमें एक पेस्ट सा तैयार करना है टमाटरों को काट के। हम टमाटर को इसलिए पीस कर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रहे हैं। हमें भंडारे स्टाइल हमें आलू टमाटर की सब्जी बनाना है, इसलिए हम टमाटर को पीस कर यूज करेंगे। अब हम एक मिक्सी जार में भर लेंगे टमाटर को और हम इन्हें अच्छे बारीक होने तक अच्छे से हम पीस लेंगे। देखिए हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। हम एक से डेढ़ चम्मच तेल डाल देंगे। हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो रिफाइंड के तेल से भी बना सकते हैं। और तेल को अच्छे से करेंगे गरम। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम आधी चम्मच छोड़ देंगे जीरा। जीरा को अच्छे से हम चटकने देंगे और साथ ही में छोड़ देंगे जो हम दो तेज़पत्ता, इनको भी अच्छे से पक जाएंगे। तेज़पत्ता भी, हमारा जीरा भी अच्छे से चटक जाएगा। देखिए हमारा जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें हम जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको हम छोड़ देंगे। हमें टमाटर के पेस्ट को अच्छे से हमें पकाना है। अब साथ ही में हम डाल देंगे सूखे हुए मसाले। हम एक से डेढ़ चम्मच डालेंगे हम जो धनिया पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे जो मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे जो हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम पका लेंगे मसाले को। हमारे टमाटर के पेस्ट को अच्छे से पक जाना चाहिए। हमारा मसाला पक रहा है। अब डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हम अच्छे से चलाते हुए हम मसाले को अच्छे से हम पकाना है। हमारा मसाला भी पक जाए और हमारा जो हमने टमाटर पीस के डाला है वो भी हमारा पक जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे। अभी मसाले को हम और पकाएंगे। अब इस टाइम हम डाल देंगे आधी चम्मच जो अमचूर पाउडर है। क्या है, अमचूर पाउडर को डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू टमाटर की सब्जी में, इसलिए हमने अमचूर पाउडर डाला। मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और तो कुछ चीज़ जब तक हमारा मसाला पक रहा है, जब तक हम जो आलू को लेंगे वो अच्छे से हम इन्हें मैश कर लेंगे। ना हमें आलू को ज़्यादा मोटा रखना है ना हमें ज़्यादा बारीक। हमें इस तरीके से आलू को मैश करना है। देखिए हम सब आलू को इस तरीके से मैश कर लेंगे। आलूओं को मैश कर लिया है। अब चलिए देखते हैं सब्जी को। हमारा मसाला भी देखिए पक के तैयार हो चुका है। मसाला अलग होने लगा है, हमारा तेल अलग होने लगा है। अब इसमें जो हम आलूओं को डालेंगे, आलूओं को हम अच्छे से दो से तीन मिनट हम मसाले में चला लेंगे। हमने आलूओं को मसाले में हमने दो से तीन मिनट अच्छे से भून लिया है, पका लिया है। अब इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे पहले। वो आपको जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, जितनी आपको सब्जी मोटी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालें। हमने एक गिलास पानी डाल दिया है। अब आधा गिलास और डालेंगे हम पानी, ज़्यादा गिलास और पानी डाल देंगे हम। और हम सब्जी को अच्छे से चार से पाँच मिनट अच्छे से पकाएंगे। और मेरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आप देखिए हमारी सब्जी में देखिए उबाल आ चुका है। अब हम सब्जी को अच्छे से चार से पाँच मिनट पकाएंगे। अब इस टाइम हम डालेंगे हम छोटी चम्मच से आधी चम्मच समझे गरम मसाला। क्या गरम मसाला, सब्जी में लास्ट टाइम डालो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक से दो मिनट अभी सब्जी को और हम पका लेंगे। हमने सब्जी को चार से पाँच मिनट पका लिया है। हमारी सब्जी देखिए बिना लहसुन बिना प्याज के, हमारी ढाबा स्टाइल, हमारी भंडारे स्टाइल वाली सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे जो हमने काट के धनिया रखा है, इसको भी हम डाल देंगे। और देखिए गर्मा गर्म हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आ जाइए सर्व करने के लिए तैयार है। अब चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।